हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में रुचिरा भाग प्रथम। इसमें हम पहला लेसन पढ़ेंगे। लेसन का नाम है शब्द परिचय प्रथम। शब्द परिचय में भी हम पहला भाग पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम? मूल पाठ, ये जो पाठ है वो, उसके शब्दार्थ पढ़ेंगे और हिंदी अनुवाद भी पढ़ेंगे। सबसे पहला पैराग्राफ है आपके क, एषः कः, ये एक वचन के लिए। एषः चषकः, यह कौन है या क्या है? तो यह गिलास है। अब किम एषः बृहत्, न एषः लघु, क्या यह बड़ा है? नहीं, यह छोटा है। इसके शब्दार्थ, एषः मतलब यह, कः मतलब कौन, चषकः गिलास, किम क्या, बृहत् बड़ा, न नहीं, लघु छोटा। इसके प्रश्नोत्तर, पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, मतलब एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। एषः कः चषकः, एषः किम चषकः, कः लघु आम, एषः किम वृहत् न। पूर्ण वाक्य उत्तरत, मतलब पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है। एषः कः एषः चषकः, किम एषः वृहत् न एषः लघुः। सेकेंड पैराग्राफ ख, सः कः वह कौन है? सः सोचिकः, वह दर्जी है। कौन है? दर्जी। यह भी एक वचन में ही है। सोचिकः किम करोति, दर्जी क्या करता है? किम सः खेलति, क्या वह खेलता है? न सः वस्त्रम सिव्यति, नहीं वह कपड़ा सिलता है। शब्दार्थ, सह मतलब वह, क कौन, सोचिक दर्जी, करोति करता है, वस्त्रम कपड़ा, सिव्यति सिलता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर, एक पदेन उत्तरत, एष कः सोचिकः, सह किम करोति सिव्यति, किम सोचिकः खेलति, नहीं कह वस्त्रम सिव्यति सोचिकः। पूर्णवाक्यन उत्तरत, सोचिकः किम करोति, सोचिकः वस्त्रम सिव्यति, किम सोचिकः खेलति, नहीं सोचिकः न खेलति। तीसरा पैराग्राफ ग, एतौ कौ, ये द्विवचन के लिए, क्योंकि इसमें दो लोगों के लिए कहा जाएगा। एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों कौन हैं या ये दो कौन हैं? तो ये दोनों कुत्ते हैं या दो कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये गरजते हैं? न एतौ उच्चे बुक्कतः, नहीं ये दोनों गरज नहीं रहे हैं, ये दोनों भोंकते हैं जोर से। कैसे भोंकते हैं? जोर से। शब्दार्थ, एतौ ये दो, को कौन, शुनको दो कुत्ते, स्त हैं बुक्कतः भोंकते हैं, उच्च जोर से, न नहीं गर्जतः गरजते हैं। प्रश्नोत्तर, पहला एक पदेन उत्तरत, एतौ को शुनको हो, को बुक्कतः शुनको हो, किम गर्जतो, किम एतौ गर्जति, नहीं शुनको किम कुरुतः बुक्कतः। अब सेकेंड क्वेश्चन इसका, पूर्ण वाक्य उत्तरत, शुनको किम कुरुतः, शुनको उच्चे ह बुक्कतः, किम शुनको गर्जति, नहीं शुनको न गर्जति। घ, चौथा पैराग्राफ, तौ कौ, तौ बलिवर्दो स्तः, वे दो कौन हैं? तो वे दोनों कौन हैं? बेल हैं। कौन हैं? बेल। अब किम तौ धावतः, क्या वे दौड़ रहे हैं? न तौ क्षेत्रम कर्षतः, नहीं वे दोनों क्या कर रहे हैं? क्षेत्र को सींच रहे हैं, खेत को सींच रहे हैं। इसके शब्दार्थ, तौ मतलब वे दो, को मतलब कौन, बलिवर्ध मतलब दो बेल, किम क्या, स्त है, धावत दौड़ते हैं, क्षेत्रम खेत, कर्षत जोत रहे हैं,
न मतलब नहीं। एक पदेन उत्तरत तव कौ बलिवर्दौ किं तौ धावतः नहीं कौ क्षेत्रम कर्षतः तो कर्षतः तव किं कुरुतः बलिवर्दौ। सेकेंड पूर्णवाक्यन उत्तरतः पहला तव कौ तव बलिवर्दौ स्तः किं तव धावतः नहीं तव क्षेत्रम कर्षतः। अब आगे का पैराग्राफ है आपके अंग एते के एते सुयुता संति ये सब कौन हैं तो ये सब थैले हैं। क्या हैं थैले। किम एते हरितवर्णाः क्या ये हरे रंग के हैं नहीं एते नीलवर्णाः संति नहीं ये नीले रंग के हैं। इसके शब्दार्थ एते ये या ये सब के कौन हैं संति है स्युता थैले हरितवर्णा हरे रंग के नीलवर्णा नीले रंग के किम क्या नहीं नहीं। अब इसके प्रश्नोत्तर पहला है एक पदेन उत्तरत एते के स्युता। सेकेंड किम एते हरितवर्णा नहीं। तीसरा एते किम वर्णा संति नीलवर्णा नीलवर्णा के संति स्युता। इसका सेकेंड प्रश्न है पूर्णवाक्यन उत्तरतः। इसमें पहला है एते के एते स्युताः सन्ति किम एते हरितवर्णाः नहीं एते नीलवर्णाः सन्ति। लास्ट पैराग्राफ है इसका च ते के ते वृद्धाः सन्ति वे कौन हैं वे सब बूढ़े हैं। कौन हैं बूढ़े। किम ते गायन्ति क्या वे गा रहे हैं नहीं ते हसन्ति नहीं वे हंस रहे हैं। क्या कर रहे हैं हंस रहे हैं। इसके शब्दार्थ ते मतलब वे सब के कौन हैं वृद्धा बूढ़े संति हैं किम क्या गायन्ति गाते हैं नहीं नहीं हसन्ति हंस रहे हैं। प्रश्नोत्तर एक पदेन उत्तरतः ते के वृद्धा किम ते गायन्ति नहीं ते किम कुर्वन्ति हसन्ति के हसन्ति वृद्धाः। पूर्णवाक्ये उत्तरतः ते के ते वृद्धाः सन्ति। सेकेंड किम ते गायन्ति नहीं ते हसन्ति। इसके जो क्वेश्चन आंसर आएंगे वो अगले डे आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे।